आज गरमाएगी पश्चिम बंगाल की सियासत। कोलकाता दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल पर जनसभा को करेंगे संबोधित। दुर्गा पूजा का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री बनने के बाद शाह का पहला दौरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज दाखिल करेंगे नामांकन। करनाल विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। सुबह 10 बजे समर्थकों और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करनाल पहुंचेंगे खट्टर। बीजेपी ने सोमवार को जारी की थी हरियाणा चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र में अपने पत्ते खोलने के बाद आज हरियाणा में पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के भेजे पैनल पर विचार करेगी कमेटी। मौजूदा 17 विधायकों को मिल सकता है टिकट। हुड्डा और अशोक तंवर समर्थकों की दावेदारी पर टिकी नजरें। जम्मू कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर आज से शुरू होगी सुनवाई। अनुच्छेद 370 और 35A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ सुनेगी दलीलें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें। आज से योगी सरकार के खिलाफ सपा शुरू करेगी पोल खोल अभियान। हर तहसील में कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सपा ने बीजेपी के खिलाफ बोला हल्ला। बीजेपी को मुद्दों पर बहस की चुनौती भी देंगे एसपी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जमानत पर आज अंतिम फैसला ले सकता है कोर्ट। सीबीआई ने किया है याचिका का विरोध। शारदा चिटफंड मामले में घिरे हैं राजीव कुमार। आज से बैंकिंग समेत कई नियम बदलने से रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर। ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। अब नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल को ऑनलाइन खरीदने पर मिलने वाला कैशबैक। कई चीजों पर जीएसटी की भी नई दरें आज से होंगी लागू। करतारपुर साहिब दर्शन के लिए सरकार आज करेगी प्रक्रिया का ऐलान। श्रद्धालुओं के जाने की प्रक्रिया को किया जाएगा सार्वजनिक। करतार साहिब यात्रा से संबंधित वेब पोर्टल पर पंजाबी भाषा में भी जानकारी होगी उपलब्ध। 9 नवंबर से जनता के लिए खोला जाएगा कॉरिडोर। बिहार में भारी बारिश का कहर जारी। आज भी राजधानी पटना में बंद रहेंगे स्कूल। मौसम विभाग ने दरभंगा वैशाली समेत कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद। सीएम नीतीश बोले जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कोशिश जारी। अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रतुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रतुल पुरी को 1 अक्टूबर तक भेजा था तिहाड़ जेल। और चीन में आज कम्युनिस्ट सरकार मनाएगी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शासन की 70वीं वर्षगांठ। परेड में 15,000 सैनिक, 160 विमान और 580 टैंक और अन्य हथियारों का होगा शक्ति प्रदर्शन। सरकार ने कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए बांटे 6 लाख मुफ्त टीवी सेट।